दमोह के जिला न्यायालय से परिसर में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। यहां पर जिला न्यायालय परिसर में आने जाने वाले समस्त कर्मचारियों, एडवोकेट सहित अन्य कर्मचारियों का वैक्सीनेशन कराया गया। मालूम हो कि अब प्रशासन के द्वारा विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर भी वैक्सीनेशन का कार्य चलाया जा रहा है। इसी सिलसिले में जिला न्यायालय परिसर में पहुँच करके वैक्सीनेशन कैंप चलाया गया। यहाँ पर अनेक लोगों को वैक्सीन लगाई गई। आज माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के सानिध्य में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त न्यायाधीशगण, उनके परिवारजन, समस्त अधिवक्तागण, उनके परिवारजन एवं समस्त तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी गण उपस्थित हुए, जिनका वैक्सीनेशन का कार्यक्रम सुचारू रूप से किया जा रहा है। इनका विशेष महत्व इसके लिए हम माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय को देते हैं, क्योंकि अभी मेरे द्वारा संघ के अध्यक्ष होने के नाते उनसे निवेदन किया गया, इस पर उन्होंने तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए जिला शासकीय चिकित्सालय में संपर्क करवाया गया और आज वैक्सीनेशन का कार्यक्रम का आयोजन कराया गया। आज हमने जिला न्यायालय में फिर से सेशन लगाया है। अभी ये पहले भी लगाया था हमने 3 मई को, और आज फिर से हमने अभी लगाया है सवेरे से। जो अधिवक्ता है, जो दूसरे भी आसपास के लोग हैं, हम सबको अभी लगा रहे हैं, पर मेनली हमारा जो टारगेट है वो हमारा स्टाफ का है। जो यहाँ के स्टाफ में है कोर्ट के, वो मेनली हमारा टारगेट है। लगभग अभी हमारे पास 80-90 लोग अभी हो चुके हैं, और ये अभी हम बैठेंगे शाम को 4 बजे तक। जितने भी लोग आएंगे तो हम वैक्सीनेटेड अभी सबको करेंगे। हमारे न्यायाधीश परिवार जो है, हमारे कर्मचारीगण हैं उनके परिवार के लोग हैं, हमारे अधिवक्तागण हैं उनके परिवार के लोग हैं, इन सारे लोगों का यहाँ पे वैक्सीन किया जा रहा है। प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का यहाँ वैक्सीनेशन हो सके, जिससे जो कोरोना की महामारी है उसका बचाव ही हमारा वैक्सीनेशन है, और इस वैक्सीनेशन के द्वारा ही हम अपने आप को और अपने परिवार को इस कोरोना महामारी से सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए हम सबसे चाहेंगे अन्य लोग भी हैं जो न्यायालयीन परिवार के अलावा भी हैं, जहाँ जहाँ सेंटर हैं वो अपने सेंटर पर जाएँ और वैक्सीनेशन कराएँ। इससे किसी भी प्रकार के साइड इफ़ेक्ट नहीं है। यह वैक्सीनेशन हमको कोरोना महामारी से बचा सकता है, हमारे परिवार को बचा सकता है। हो सकता है कभी थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट हो, लेकिन इससे किसी की जान नहीं जाएगी। इसलिए हम आप सबके माध्यम से, पूरे शहरवासियों से, देशवासियों से भी आग्रह करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में वैक्सीनेशन कराएं, अपने परिवार को इस कोरोना महामारी से सुरक्षित रखें।